एनसीसी बन यूपी एयर विंग के कैडेट्स द्वारा आज एक दिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें महिला और पुरुष की दो टीमों का मैच खेला गया। नितेश शर्मा ने बताया कि यह मैच सिर्फ बच्चों के मनोरंजन के लिए किया गया है। आगरा कॉलेज और सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा के बीच एक उत्साहपूर्ण मैच का आयोजन किया। आगरा कॉलेज मैदान में विंग कमांडर सुमित शेखर की प्रशंसा के साथ भारतीय वायुसेना का पहला मैच आगरा कॉलेज की गर्ल्स कैडेट और सेंट जॉन्स कॉलेज की लड़कियों के बीच हुआ, जिसमें सेंट जॉन्स विजेता रही, जिसमें बेस्ट बॉलर प्रिया और बेस्ट बल्लेबाज पलक साथ ही बेस्ट खिलाड़ी निशा यानी कि आगरा कॉलेज की रही। दूसरा मैच आगरा कॉलेज बॉयज कैडेट और सेंट जॉन्स कॉलेज बॉयज कैडेट के बीच हुआ, जिसमें सेंट जॉन्स कॉलेज की टीम विजेता रही, जिसमें बेस्ट बैट्समैन हिमांशु आगरा कॉलेज, बेस्ट प्लेयर सिद्धार्थ, सेंट जॉन्स बेस्ट बॉलर ओम सेंट जॉन्स कॉलेज रहे। मैच का आयोजन आगरा कॉलेज के एनसीसी एयर विंग के इंचार्ज नितेश शर्मा ने किया, जिसमें एएनओ सेंट जॉन्स कॉलेज डॉक्टर नीरज, शारीरिक शिक्षा विभाग के समस्त आचार्य मौजूद है। आगरा कॉलेज के प्रचार ने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। मैं नितेश शर्मा आगरा कॉलेज में एनसीसी एयर विंग का इंचार्ज हूँ और बच्चे एनसीसी के बच्चे साल भर पूरे परेड में बिजी रहते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे G20 है, रिपब्लिक डे परेड है, साल भर हर एक्टिविटीज़ में कोई कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार में उनकी मदद से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो साल भर वो इस तरीके से बोर्डम में चले जाते हैं। तो वन यू पी एयर स्क्वाडन के अंतर्गत आने वाले दोनों कॉलेज, आगरा कॉलेज और सेंट जॉन्स कॉलेज के एनसीसी एयर विंग के जो कैडेट्स हैं, उनके लिए आज फ्रेंडली मैच का आयोजन किया गया है जो आगरा कॉलेज ग्राउंड पर हो रहा है। पहला मैच SWs के बीच में हुआ, जिसमें आगरा सेंट जॉन्स कॉलेज 7 रनों से विजयी रहा है। दूसरा मैच शुरू होने जा रहा है जो आगरा कॉलेज सेंट जॉन्स कॉलेज के बीच में होगा। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि बच्चों के बीच में सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारा, प्रेम बना रहे और कॉम्पिटिशन के बीच में आपसी एकता भी बनी रहे। मैं फ्लाइंग ऑफिसर डॉक्टर नीरज सुबियस, मैं NCC एयरविंग में सेंट जॉन्स कॉलेज का एसोसिएट NCC ऑफिसर हूँ। और ये शुरुआत जो हम लोगों ने करी है वो वन यूपी एयर स्क्वाड्रन के दोनों यूनिट्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक साथ कुछ रिक्रिएशनल टाइम देने के लिए करी है, क्योंकि हम लोग साल भर NCC एक्टिविटीज़ करते हैं और बहुत प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं और हम लोग बहुत सक्सेसफुल भी रहे हैं। इस बार रिपब्लिक डे परेड पे हमारे 8 कैडेट सेलेक्ट हुए हैं जो चारों ग्रुप्स में हाइएस्ट हैं। टोटल 9 सेलेक्ट हुए हैं यूपी में, जिसमें 8 हमारे हैं। तो इसलिए बच्चों को एक अच्छा टाइम देने के लिए यहाँ पे महिला वर्ग में SWs में कैडेट्स का एक मैच कराया गया और दूसरा मैच SD विंग में बॉयज़ का कराया जा रहा है, जिससे कि इनको साथ रह के खेलना और थोड़ा सा इंजॉयमेंट का टाइम मिले। आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट।